हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं सचिन सिंह, आप सभी का दोस्त एंड यू ऑल आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल क्रिस क्रॉस। आज हम बात करने वाले हैं बारिश के सीज़न नंबर सेकंड की, जिसका ट्रेलर अभी अल्ट बालाजी और G5 ने मिलकर रिलीज़ कर दिया है। और उस ट्रेलर मुझे याद दिलाता है सीज़न फर्स्ट की उतना ही लव और अफेक्शन और ड्रामा देखने को मिलेगा इसके अंदर, हम इस ट्रेलर के अंदर। तो क्या इसकी स्टोरी लाइन और क्या ये आपको देखना चाहिए और क्या रहेगा इसको लेकर मेरा पर्सनल रिव्यू, ये सभी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द मोर लेटेस्ट अपडेट। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट, लेट्स किस क्रॉस। बारिश सीजन सेकंड का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है अल्ट बालाजी और G5 ने मिलकर। अगर आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां जाके पहले ट्रेलर देख लें। जो तुम्हें कुछ बताना था तुम्हारे अफेयर के बारे में। हाँ। तो यार मुझे तो ट्रेलर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उसके अंदर जो सीजन फर्स्ट के अंदर जैसा लव दिखाया गया था, जो प्यार दिखाया गया था, जो अफेक्शन दिखाया गया था, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाई गई थी, वो सब कुछ आप इसको ट्रेलर में देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक सीजन फर्स्ट नहीं देखा है तो आप एक बार सीजन फर्स्ट जरूर देख लें, ताकि आपको एक क्लू मिल जाए कि सीजन सेकंड में क्या होने वाला है। मैं एक बार आपको सीजन फर्स्ट का ओवरव्यू दे देता हूँ कि सीजन फर्स्ट में जो इसके अंदर मेन लीड रोल में ले रखे हैं वो है सरमन जोशी और आशा नेगी, जो एक पहले स्ट्रेंजर्स होते हैं और जो इकोनॉमिक और उनका जो बैकग्राउंड होता है, कल्चर बैकग्राउंड बहुत ही डिफरेंट होता है। सरमन जोशी जो है वो एक गुजराती बॉय है और एक डायमंड मर्चेंट है, जिसकी उसके पिता की मृत्यु के बाद वो अपना मतलब जो बिजनेस है वो खुद ही आगे बढ़ाता है। और जो दूसरी तरफ आशा नेगी है वो एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन गर्ल है जो कि मिडिल क्लास फैमिली से आती है। तो यार दोनों मिलते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। तो यार जब दोनों में प्यार हो जाता है फिर उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है, फिर लास्ट में जब छोड़ा जाता है सीजन फर्स्ट के अंदर वो है जब दोनों अलग हो जाते हैं, तो वो सस्पेंस रखा जाता है। और सीजन सेकंड में कहानी स्टार्ट होती है उन दोनों की तलाक की बात से। तुम दोनों में ऐसा क्या हुआ था कि बात तलाक तक पहुंच गई? तो यार दोनों की तलाक की बात से वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, फिर उसकी जो मैरिड लाइफ है वो सीजन सेकंड के अंदर इस बार दिखाई जाएगी, क्या क्या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और क्या क्या वो चीज़ें वो फेस करते हैं, और क्या वो एक दूसरे के प्यार जब उन दोनों बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग आती है तब वो दोनों से अलग होते हैं, तो क्या क्या चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें आपको इस सीजन सेकंड के अंदर देखने को मिलेगी। अब इसका ट्रेलर तो रिलीज़ कर दिया गया है, देखते हैं अभी जल्द से जल्द वेब सीरीज़ कब रिलीज़ होगी। और सीजन फर्स्ट की जो इन्होंने ऑडियंस गेन की है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था सीजन फर्स्ट सक्सेसफुल रहा था, तो देखते हैं क्या वही ऑडियंस सीजन सेकंड के साथ जाएगी, क्या उनको वो स्टोरी पसंद आने वाली है या नहीं। पर्सनली अभी तक मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है एंड मुझे याद आ चुकी है सीजन फर्स्ट की जो उनके लव और बॉन्डिंग थी, जो उनकी रिलेशनशिप की बॉन्डिंग थी, वो मुझे डायरेक्टली याद आ गई सीजन सेकंड देखते ही। और अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो एक्टिंग परफॉर्मेंस के अंदर सरमन जोशी और आशा नेगी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपना जो रोल दिया गया उनको प्ले किया है। एंड जैसे जब वो स्क्रीन पर आएंगे, जब आप सीजन फर्स्ट देखने वाले हैं तो जब वो स्क्रीन पर आएंगे तो आपकी जो उनकी रिलेशनशिप बॉन्ड है वो आपको फील होएगी, आप उनको फील कर सकेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे उनके साथ। शरीफ टाइप के हुआ करते थे आप, इतने बेशरम कैसे हो गए? ऐसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो। तो अगर आप किसी वेब सीरीज में किसी कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होते हैं, इसका मतलब वो वेब सीरीज बहुत ही अच्छे डायरेक्शन किया गया और बहुत ही अच्छी है। तो यार मुझे सीजन फर्स्ट पर्सनली बहुत पसंद आया था, अब देखते हैं सीजन सेकंड में ऐसा क्या नया लेके आते हैं जो ऑडियंस को वापस बनाए रखता है। आपने अगर ट्रेलर देख लिया है तो आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। आज के वीडियो से बस इतना ही, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, सुझाव है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं सभी के क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टिल देन बाय बाय।